गाइस काफ़ी घना जंगल है और लोकेशन की हम तलाश में हैं। हालांकि चारों तरफ आर्ट के लिए तो चारों तरफ लोकेशन ही लोकेशन होती है, हमारा नज़रिया होता है कि हमको क्या बनाना है, पर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि यार ये बहुत अच्छा है तो फिर मैं मुझे जहाँ अच्छा लगता है ना मैं वही बनाता हूँ। ऐसा नहीं कि कहीं भी बैठ गए कैसे भी करने लग गए, जो अच्छा लगता है कि यार ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तो फिर दोस्तों फिर गाइस उसमें बहुत मज़ा आता है, तो आप बने रहे मेरे साथ में, बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को। क्यों अभी कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। लोकेशन कैसी है? एक नंबर। अच्छी है ना? हाँ, बहुत बहुत प्यारी जगह है यार। और आज जो हम करने वाले हैं वो थोड़ा सस्पेंस में है, अब देखते हैं, मुझे पता नहीं है, किसी को भी पता नहीं है क्या बनेगा, बस मैं तो रोज़ निकल जाता हूँ, पर जो भी बनेगा आई होप अच्छा ही बनेगा और आप लोगों को उम्मीद है मुझे अच्छा लगेगा, तो इसी तरह से बस बने रहें। गाइस हम लोग इस घने जंगल में से पार करते हुए गांव की तरफ आ गए हैं और दोस्तों देखो क्या प्यारा नज़ारा है यार, कितना सुंदर गांव है यार, कितने प्यारे चीज़ें हैं और आप देख रहे हैं। इधर आगे आइए, कौन सा गांव है ये? कापरखेड़ा गांव है दोस्तों, इस गांव का नाम है कापरखेड़ा, मानसून के पास में है ये भी। और इधर आसपास इधर पीछे हम इस पहाड़ी के नीचे जाएंगे, यहाँ पर भी कुछ अच्छी जगह है जो मैं देखना चाहूँगा, पर यहाँ पर भी मुझे काफ़ी सफिशेंट लग रहा है बनाने के लिए। और देखो आप चारों तरफ, मैं आपको दिखाता हूँ कितना, देखो कितना सुंदर गांव है यार, बहुत ही सुंदर नज़ारा है और बहुत ही सुंदर गाँव है ये, मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा क्योंकि ये चीज़ें हम बहुत कम देख पाते हैं हमारे आसपास। थोड़ा सा और आगे जाते हैं, इधर आगे चलते हैं देखते हैं, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मैंने सुना है, मैं अभी तक पहली बार जा रहा हूँ झरने के पास, पर झरना बहुत बड़ा विशाल का झरना है, एक बार मैं आप लोगों को दिखाता हूँ और वहीं पर मैं कुछ भी बनाऊँगा, मतलब या तो लैंडस्केप बनाऊँगा या पोर्ट्रेट बनाऊँगा या झरने की पेंटिंग करूँगा, लेकिन कुछ भी मैं बनाना चाहता हूँ। मुझे यहाँ आकर देख के ऐसा लग रहा है कि यार यहाँ बनाना चाहिए, मुझे तो यहाँ पर भी आकर देख लिया थोड़ा सा लग रहा है, और ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और बनेगा पेंटिंग में तो आई होप बहुत सुंदर बनेगा मुझे लग रहा है, तो हम कोशिश करते हैं यहीं आसपास कुछ बनाने के लिए, क्योंकि अब आगे मैं जाना नहीं चाहता हूँ, इतने दूर से हम आए हैं घने जंगलों में से। और ओके, अरे जंगल बता रहा ना वो कहाँ पे है, ले चलोगे वहाँ पे? क्यों, झरना किधर है? इधर चले। आप गए कब गए थे? बहुत बार बकरी चलाने गए थे। इधर आपका घर किधर है? इधर कहाँ है घर? गाँव कौन सा? अच्छा, तो इधर इधर आप क्या स्कूल नहीं आते? आप जाते हैं। कौन से पढ़ते हो? पांचवी। और आप? आठवीं। और आप? सातवीं। नहीं, स्कूल भी जाना जरूरी है ना? चले फिर। चलो चलो हमारे साथ चलो। हमारे साथ में कुत्ता भी है, देखो आजा। पोर्ट्रेट में बहुत इंटरेस्टेड लगता है ये, लगता है। क्या नाम है इसका? कालू सेठ। अच्छा, कितना सुंदर रास्ता, प्योर वादियों की तरह। देखो भुट्टे थे इसमें साथ, कहीं कहीं लगे और कहीं नहीं भी लगे, रास्ता ही ऐसा है गाइस। खेत में आज तो हम भुट्टे भी तोड़ने लग गए आते आते, बच्चे आ गए हैं, तो कहीं भी जाता हूँ मैं बनाने के लिए ना, तो बच्चे गांव के आसपास के जो बच्चे होते हैं इंटरेस्टेड होते हैं, तो वो भी बच्चे भी जो है इंटरेस्ट ले लेते हैं, उनको अच्छा लगता है क्योंकि वो कभी देख नहीं पाते हैं ऐसी चीज़ें, तो उनको लगता है कि यार कुछ नया हो रहा है, कुछ अलग है, तो जेके ही अटका दूँ, बहुत इंटरेस्ट लेते हैं बच्चे। क्या चीज़? पापा देखो फूल कितना अच्छा है। हाँ चलो जल्दी से नीचे। हाँ बहुत प्यारे यार, देखो भाई देखो फूल, शायद आपको दिखते होंगे क्योंकि मेरे एक हाथ में कैनवास है और रास्ता थोड़ा फिसलने जैसा है, और कालू मेरे पीछे, ये देखो ये पीछे पीछे आ रहा है वो। हाँ लेकिन रास्ता तो दोस्तों ऐसा है कि कहीं गिर ना जाऊं, कालू तो निकल गया आराम से। यार गाइस सच में कमाल की जगह है, कमाल की जगह है, मैं पहली बार आया हूं, मुझे कुछ भी इसका आइडिया नहीं था,
मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे इसके बारे में कहा था, तो मैं यहाँ चला आया। बहुत दूर से हम लोग आ रहे हैं, पैदल पैदल जंगलों से गुजरते हम आ रहे हैं, और इतनी कमाल की चीज़ें मैं पहली बार देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया हूँ कि इतनी सुंदर जगह मैंने आज तक अभी इधर मेरे आसपास देखी क्यों नहीं। बहुत ही प्यारी जगह है। और यहीं देखो, उधर बच्चे कुछ खड़े हैं, आप देख रहे होंगे, ये यहीं आसपास रहते हैं, यहीं गांव के रहने वाले हैं बच्चे। ये बहुत एक्साइटेड है, ये इन्होंने मेरे हाथ में कलर ब्रश और ये देखे ना इजल वगैरह, तो उन्होंने देखा यार ये मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, तो वो मेरे साथ में पीछा कर रहे हैं। उनके साथ एक कुत्ता भी है, वो भी सब बने हुए सब आकर यहाँ खड़े हैं, वो देखना चाहते हैं मैं करना क्या चाहता हूँ, आखिर मैं क्या बनाऊँगा, ये क्या चीज़ें कलर रंग, उन्हें कुछ भी पता नहीं इसके बारे में। सच में यार ये जगह पे आकर मैं खुद भी मतलब देखकर ऐसा सोच रहा हूँ कि यार मैंने पहले यहाँ इतना हाई लेवल का झरना देखा नहीं। वो पिछली बार हम शीतला माता फॉल गए थे, वो तो झरना बहुत नॉर्मल है इसके सामने, यार ये तो कमाल की जगह है। आप मैं इसको आपको जूम करके बताता हूँ, देखो भाई वो रहा झरना, ये बहुत विशाल का झरना है, लेकिन वीडियो में तो ये मुझे लग रहा है छोटा ही दिखेगा, पर बहुत तगड़ा और बहुत ऊँचा झरना, बहुत ऊँचा है। तो गाइज मैं चाहता हूँ कि इसी की पेंटिंग बनाऊँगा मैं बनाने तो और कुछ आया था, लेकिन अब मेरा हाँ यहाँ आके थोड़ा सा मूड और चेंज हो गया। मैं दोबारा फिर से झरने की पेंटिंग बनाना नहीं चाहता था, लेकिन इसको देखकर मेरा खुद का मन फिर से हो रहा है। तो दोस्तों फिर से मैं एक नई पेंटिंग झरने की बनाने वाला हूँ, आप लोग मेरे साथ इसी तरह से बने रहें, और पूरी सेफ्टी के साथ हम लोग दूर से बनाएंगे इसे, क्योंकि बहुत बड़ी खाई है, मैं बच्चों का भी ध्यान रखूँगा, लेकिन वो तो यहीं रहते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा आइडिया, मेरे से ज़्यादा आइडिया उनको। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें, मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अब काम। ओके, हमारे साथ जूसर भी है आज, फिजिकली नहीं पर वीडियो कॉल पे अवेलेबल है, अगर आपको दिख पा रहे हो तो दिख पा रहे कि नहीं। जूसर ने वीडियो कॉल किया है, आज थोड़ा सा अर्जेंट काम होने की वजह से वो साथ में नहीं आ पाया है, तो वीडियो कॉल पर मुझसे बात कर रहा है। ठीक है भाई, मिलते हैं बाद में फिर। आवाज़ नहीं आ रही, नेटवर्क नहीं है यहाँ पर, नेटवर्क नहीं है, चला नेटवर्क की प्रॉब्लम है, यूँ भी कहीं काम का नहीं था। गाइस पेंटिंग लगभग फाइनल हो गई है, और ये मैं लास्ट इसके फाइनल टच दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पर भी हर बार की तरह इंप्रेशन पे काम किया है, कोई ज़्यादा डिटेल नहीं दिया, और यहाँ तो थोड़ा सा मैंने नाइफ का भी प्रयोग किया है लास्ट में। और बस आप लोगों को कैसी लगी पेंटिंग ज़रूर बताइएगा, मैंने अपना जो है पूरा बेस्ट देने की कोशिश की है। आपको देखने में थोड़ा सा शेडो आ रहा होगा, मैं इसे थोड़ा सा ऐसा करके बताता हूँ कि ये किस तरह की पेंटिंग बनी है, शायद धूप में किस तरह की लग रही है, चमक रही है पता ना, हाँ शायद कैसा क्या आ रहा है इसका। ये पूरी फाइनल की है मैंने, इसमें नाइफ का प्रयोग काफ़ी किया है इस बार। गाइस अब जा रहे हैं पेंटिंगों को लेके, मैंने गाड़ी थोड़ा उधर आगे पार्क की है, बच्चे बेचारे मेरे साथ बहुत साथ दिया है इन लोगों ने, यहीं के थे, बहुत इंटरेस्टेड थे बच्चे, इनको बहुत मज़ा आ रहा था, तो इन्होंने किसी ने मेरा इजल ले लिया मेरे पास से, किसी ने कलर प्लेट रख दी है, एक भाई को देखो वो मेरे कलर ट्यूब वगैरह लेके आ रहा है, वो बोले भैया मैं ले लूँगा मेरे पास रख लूँगा। तो बच्चे बहुत बहुत यार वाकई है, मैंने एक चीज़ देखी यहाँ पर कि बच्चे यहाँ के बहुत मेहनती है, हम तो मैं तो और भी इतनी एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ, पर फिर भी ये तो यहाँ पे पहाड़ चढ़ने में इन्हें 2 मिनट भी लगी यार, इतना बड़ा पहाड़ चढ़ गए ये। अभी आगे भी देखो चारों तरफ पूरा जंगल है, अभी हमें बहुत दूर और जाना है, आपको हम बताएं कैसे कैसे रास्ते हैं। आओ अरे भाई आ जा, वो चाहिए दे रहा मुझे क्या कि रख लेगा बता मुझे। हाँ चल ठीक है, ये रख ले तो नहीं हो रही ना। तो गाइस डिटेल बनाने में मुझे बहुत दिक्कत आ रही थी, क्योंकि वहाँ पर है ना शेडो इतना आ रहा था,
उस झरने पर कि मुझे डिटेल इतनी दूर से दिखाई नहीं दे रही थी, पर फिर भी मैंने अपने तरह से थोड़ा सा उसको ऑब्जर्वेशन करके मैंने अपने हिसाब से कुछ ब्रश स्ट्रोक लगाए हैं और एंड वो जो नाइफ स्ट्रोक लगाए हैं, तो वो उससे मुझे अच्छा लगा, लेकिन अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना। गाइस बहुत ज़्यादा धूप है और उस धूप से बचने के लिए हम सभी मेरे सारे दोस्त ये हम सब यहाँ रेस्ट कर रहे हैं पेड़ में, पेड़ की छाव में। क्यों रे, अच्छा लग रहा तुमको? अच्छा, पेंटिंग अच्छी लग रही है। यस दोस्तों, काम तो मैंने काफ़ी कुछ कर दिया है और अभी हम लोग इस पेड़ की छाव में थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं और रेस्ट करने के बाद हम वापस जाएंगे घर। और हम चाहते हैं कि इस ब्लॉग का एंडिंग यही कर देते हैं। बहुत धूप है, काफी ज्यादा थक चुके हैं, ज्यादा ही परेशान हो गए आज हम। बहुत ज्यादा ही, ये हमारे दोस्तों की वजह से चार चार चांडाल चौकड़ी ये हमें झरने तक लाए, मैंने झरने की पेंटिंग बना दी है। बहुत दूर से बोले थे, पहले पास में ही है ये, इतनी दूर से हमको बोलते आ रहे पास में, लेकिन दोस्तों बहुत ज्यादा दूर है। दो एक होगा, धूप भी बहुत ज्यादा तेज थी। तो फिर दोस्तों हम वीडियो का यही एंडिंग करना चाहेंगे, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।